टीम इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद को वेस्ट इंडीज के खिलाफ चौथे वनडे में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आचार संहिता का दोषी पाया गया। जी हां, खबरों की माने तो खलील पर ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान मेहमान टीम के मार्लन सैमुअल्स के साथ दुर्व्यवहार के लिए आईसीसी की ओर से आधिकारिक चेतावनी और एक डिमेरिट अंक दिया गया है। बता दें कि खलील को 14वें ओवर में सैमुअल्स के आउट होने के बाद उन्हें अपशब्द कहते हुए सुना गया था। उन्हें कई बार ऊंची आवाज में कुछ कहते भी सुना गया। आईसीसी ने मंगलवार को कहा कि खलील को आईसीसी की आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। उन्होंने इसके तहत आचार संहिता में लेख 2-5 एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के खिलाफ गलत प्रकार का व्यवहार करना या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की आक्रामक प्रतिक्रिया का कारण बने उसका उल्लंघन करना है। खलील ने इस उल्लंघन को स्वीकार करते हुए मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड की ओर से लगाए गए जुर्माने को स्वीकार कर लिया है। इसका साफ मतलब यह है कि इस मामले में आधिकारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। खलील ने चौथे वनडे मैच में 5 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के मार्लन सैमुअल्स के अलावा शिमरॉन हेटमायर और रुबमन पावल के विकेट भी हासिल किए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।